फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ खुले दिल से एक रियल हीरोज की कहानी लेकर के। मैं जानता हूँ इस कहानी को देखने के लिए देश में लोग बहुत कम हैं, समय भी कम है, बट मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी और मेरा कर्तव्य है कि देश के हर रियल हीरोज की कहानी आपके सामने लेके आऊँ। और सौरभ सर के चैनल पे आप लगातार देखते होंगे कि मैं रियल हीरोज की कहानी आपके सामने लाता हूँ। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि अगर वाकई में देश प्रेम है और जज्बा है कहीं, तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट दीजिए इन कहानियों के लिए। शायद इससे बड़ी और कोई श्रद्धांजलि इनके लिए नहीं होगी, क्योंकि ये जो कुछ करके गए हैं शायद वो चीज हम कभी भुला नहीं सकते। और आज सुकून की हम सांसें ले रहे हैं तो केवल ये उनके वजह से संभव हो पाया। जितने भी देश के लोग हैं, इन स्टोरीज को चाहूंगा कि आप बिल्कुल स्प्रेड करें, शेयर करें और बिल्कुल आप डिमांड करें कुछ ऐसे ही रियल कहानियों को। और इस चैनल से हम लगातार आप देखें तो वन बाय वन डिफेंस के रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज फिर से एक नई कहानी आपके सामने लेके हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और दिमाग दोनों एहसास करेगा कि आखिर हम इतने खूबसूरत देश में आज रह पा रहे हैं तो शायद इनकी वीरगति, इनके साहस, इनके ओवरऑल बलिदान के वजह से ही ये संभव हो पाया है। तो आज एक कहानी है एक ऐसे नौसैनिक की जो आपके दिल के बहुत करीब होगी और आपको वाकई में लगेगा, अपने देश पे भी गर्व महसूस करेंगे और देश के वीर सपूतों पर भी आप गर्व महसूस करेंगे। कहते हैं कि भारतीय नौसेना में ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है कि अगर कोई जहाज डूब रहा हो तो उसका कप्तान भी उसके साथ जल समाधि ले लें। यह महज एक नौसैनिक परंपरा है और इसका अब के जंगों में कोई पालन नहीं होता है। चाहे बात करें 1982 के फॉकलैंड युद्ध की, जहां पे कुल 14 जहाज डूबे। ये बात है लॉर्ड माउंटबेटन के जहाज डूबने की। कोई भी उस जहाज में डूबा नहीं था, लेकिन कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला तो दूसरी ही मिट्टी के बने थे। कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला का जन्म 15 मई 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। वह एक वकील परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसमें उनके पिताजी श्री तेज नारायण मुल्ला उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। उनके बड़े भाई एक वकील थे। उनके चाचा श्री आनंद नारायण मुल्ला भी एक वकील थे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के सदस्य थे। जब कैप्टन मुल्ला युवा थे तो उनका भी कानूनी पेशे में रुचि थी, बट जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी रुचि सशस्त्र बलों की ओर होती गई। 20 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की और 1946 में रॉयल इंडियन नेवी से भर्ती होकर के यूनाइटेड किंगडम ट्रेनिंग के लिए चले गए। कैप्टन मुल्ला को 1 मई 1948 को रॉयल इंडियन नेवी में कमीशन दिया गया। उन्हें 16 सितंबर 1958 को लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में प्रमोट किया गया। अप्रैल 1961 में उन्हें डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में भी भाग लेने के लिए चुना गया। उन्हें 30 जून 1964 को कमांडर के पद पर प्रमोट किया गया। उन्हें हंट क्लास डिस्ट्रॉयर INS गोमती और बाथर्स्ट क्लास माइनर स्वीपर HMIS मद्रास में भी काम किया। उन्हें आर क्लास डिस्ट्रॉयर INS प्राणा की कमान भी संभाली। उन्हें 1965 से 1967 तक यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के उप नौसेना सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। फरवरी 1971 में वो INS खुखरी में शामिल हुए और जहाज के कप्तान के रूप में पदभार संभाला। जब 1971 का भारत पाक युद्ध छिड़ा, तब कैप्टन मुल्ला पश्चिमी बेड़े में दो जहाजों के टास्क फोर्स की कमान संभाल रहे थे। टास्क फोर्स के पास उत्तरी अरब सागर में दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने और उन्हें बेअसर करने की जिम्मेदारी थी। भारतीय नौसेना के रेडियो डिक्टेशन उपकरण में 3 दिसंबर 1971 को ड्यू बंदरगाह के आसपास एक पनडुब्बी की पहचान की। इसके बाद INS खुकरी के साथ दो अन्य जहाज INS कृपाण और INS कुथार की पनडुब्बी के खतरे का मुकाबला करने के लिए भेजा गया। उस समय पाकिस्तान का PNS हंगूर गश्त लगा रहा था। चूंकि पाकिस्तान का PNS हंगूर नई टेक्नोलॉजी से लैस था, उसे पहले ही INS खुखरी और INS कृपाण के होने का पता चल गया। सबसे पहले पाकिस्तान के PNS हंगूर ने एक टॉर्पीडो INS कृपाण को डुबाने के लिए छोड़ा, लेकिन बेहद चालाकी से INS कृपाण उससे बच गया। अगली टॉर्पीडो INS खुखरी के लिए छोड़ा गया, लेकिन INS खुखरी उससे बच नहीं सका। वह टॉर्पीडो INS खुखरी के निचले हिस्से में लगा। उस वक्त जनरल मुल्ला अपनी कुर्सी पर बैठे थे। झटका इतना जोर का था कि अपनी कुर्सी से नीचे गिर गए। उन्हें चोट लगी और उनके सर से भी खून बहने लगा। धमाका इतना जोर का था कि इससे जहाज की पावर सप्लाई चली गई थी और जहाज दो हिस्सों में टूट गया था। एक हिस्सा 80 डिग्री कोण के साथ सीधे समुद्र में समाने लगा। जहाज में हर ओर जहाज खाली करो की आवाज सुनाई दी, लेकिन इन सब में कैप्टन मुल्ला बिल्कुल ही शांत थे, क्योंकि वो इससे खराब स्थिति का इंतजार कर रहे थे। उनका ध्यान अधिक से अधिक लोगों को जहाज से निकालने का था। उन्होंने अपने कई आदमियों को बचाने की कोशिश में अनुकरणीय बहादुरी का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सेकंड इन कमांड को लाइफ बोट, राफ्ट और रस्सियों को समुद्र में डालने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने आदमियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन लाइफ बोट्स की ओर ले गए। वो खुद चाहते तो जहाज से सबसे पहले निकल सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके कई आदमी
जहाज के उस हिस्से में फंसे थे जहां से उन्हें निकालना था। आईएनएस खुकरी 2.5 मिनट से भी कम समय में अपने साथ 176 नाविकों, 18 अधिकारियों और जहाज के कप्तान को अरब सागर के उन पानी वाली कब्रों में ले गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों के दौरान कैप्टन मुल्ला असाधारण साहस दिखाया, अपने कई आदमियों को बचाने में मदद की और अपनी जहाज को छोड़ा नहीं। कप्तान मुल्ला के इस असाधारण बहादुरी ने पूरी नौसेना और सशस्त्र बलों के मनोबल को आने वाले वर्षों के लिए ऊपर उठा दिया। कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को उनके उत्कृष्ट साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारतीय नौसेना का पहला और देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र दिया गया। इस इंटरव्यू के दौरान जनरल कार्डोजो ने कहा था कि इस बहादुरी और वीर कार्य में कैप्टन मुल्ला हमें न केवल जीना सिखाते हैं बल्कि मरना भी सिखाते हैं। कैप्टन मुल्ला यकीनन सर्विस बिफोर सेल्फ को चरित्रार्थ करते हैं। ऐसे सच्चे सपूत को हमारा सत नमन। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही सच्चे सपूतों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे टाइमली आपके पास नोटिफिकेशंस आ सकें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और दिल में जो अच्छी बातें आए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक इस चैनल्स के दूसरे वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए और बताइए कि देश के रियल हीरोज़ की क्या कहानी है। और आज हम सुकून से सो पाते हैं और खुल के सांस ले पाते हैं तो शायद इन्हीं वीर सपूतों की वजह से संभव है। तो मेरी तरफ से दिल से सत सत नमन ऐसे वीर सपूत को। जय हिंद, जय भारत।